सोने के गणपति मालवा सिटी अच्छा और हर एज के लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई यंग है वही कर सकता है। अब वापस चल रहे हो? ये फैमिली राइड है, फैमिली राइड
इधर आने का जो सुनामी का जो फोर्स है वो बढ़ता गया और अरेबियन सी का जो पानी है वो बैकवाटर की तरफ फोर्सली फेंक दिया। उसके वजह से देवबाग संगम की पानी के नीचे की मिट्टी है वो फोर्सली उधर से कट होके इधर आके जम गई है और नेचुरली 2004 को सुनामी आइलैंड बन गया। वो मरून कलर का ये लकड़ी बना हुआ है, मरून कलर का जितना भी पानी दिख रहा है ना, पानी का शेड दिख रहा है वो सुनामी आइलैंड का भाग है। सुनामी आइलैंड का ये जो इधर बोट दिख रही है वो उधर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और पैरासेलिंग का बुकिंग है। वो अभी कैसा है वो हाई टाइड की वजह से पूरा पानी के नीचे रहता है, उसके वजह से वो ट्रांसफर किया। नहीं तो सुबह दोपहर के बाद दोपहर 3 बजे के बाद ना पूरा आइलैंड पानी के ऊपर आता है, पूरा पानी टाइट जब भी रहते ना पूरा आइलैंड दिख जाता है। नहीं तो ये नहीं कहाँ पे है ये वाला, ये बांस दिख रहा है ये। हाँ ये रेड कलर का मरून कलर का पानी दिख रहा है वो सुनामी आइलैंड है। अच्छा 2 किलोमीटर का है पूरा राउंड ये पूरा। हाँ पूरा 2 किलोमीटर का है पूरा। अच्छा अभी यहाँ पे ज्यादा गहराई नहीं है। और जो डार्क ब्लू कलर का पानी का शेड दिख रहा है ना वो डीप है पूरा पानी। अच्छा वो बैक वाटर है ये। हाँ उधर से बैक वाटर है। ये सुनामी आइलैंड। हाँ ये सुनामी आइलैंड पानी के नीचे मिट्टी दिख रहा है ना। मिट्टी का जो पोर्शन दिख रहा है रेड कलर का, ब्राउन कलर का जो जितना भी पानी दिख रहा है वो सुनामी आइलैंड। सुनामी आइलैंड जो फोर्स है वो बढ़ता गया और अरेबियन सी का जो पानी है वो बैकवाटर की तरफ फोर्सली फेंक दिया। उसके वजह से देवबाग संगम की पानी के नीचे की मिट्टी है वो फोर्सली उधर से कट होके इधर आके जम गई है और नेचुरली 2004 को सुनामी आइलैंड बन गया। वो मरून कलर का ये लकड़ी बना हुआ है ना वो पूरा आइलैंड सुनामी आइलैंड का पोर्शन है पूरा ये पूरा। हाँ पूरा पूरा। अच्छा ये उसी टाइम मरून कलर का जितना भी पानी दिख रहा है ना पानी का शेड दिख रहा है वो सुनामी आइलैंड का भाग है। अच्छा सुनामी आइलैंड का नहीं ये जो इधर बोट दिख रही है वो उधर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और पैरासेलिंग का बुकिंग है। वो अभी कैसा है वो हाई टाइड की वजह से पूरा पानी के नीचे रहता है, उसके वजह से वो ट्रांसफर किया। नहीं तो सुबह दोपहर के बाद दोपहर 3 बजे के बाद ना पूरा आइलैंड पानी के ऊपर आता है, पूरा पानी टाइट जब भी रहते ना पूरा आइलैंड दिख जाता है। नहीं तो ये कहाँ पे है ये वाला, ये बांस दिख रहा है ये। हाँ हाँ ये रेड कलर का मरून कलर का पानी दिख रहा है वो सुनामी आइलैंड है। अच्छा 2 किलोमीटर का है पूरा राउंड ये पूरा। हाँ पूरा 2 किलोमीटर का है पूरा। अच्छा अभी यहाँ पे ज्यादा गहराई नहीं है। हाँ
और जो डार्क ब्लू कलर का पानी का शेड दिख रहा है ना, वो डीप है पूरा पानी। अच्छा, वो बैक वाटर है ये? हाँ, उधर से बैक वाटर है। ये सुनामी आई है? हाँ, ये सुनामी है। पानी के नीचे मिट्टी दिख रहा है ना, मिट्टी का जो पोर्शन दिख रहा है रेड कलर का, ब्राउन कलर का, जो जितना भी पानी दिख रहा है वो सुनामी एलियन। सुनामी आई पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। पैरासेलिंग है, पैरासेलिंग का है। अच्छा, यहाँ देखिए कितनी भीड़ है लोगों की एक्टिविटीज करने के लिए। वाह, वेरी नाइस। लेकिन मेरे को तो अभी नहीं करना है, मन तो बहुत कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ी पकड़ लिया ना। अब लोग सिर्फ फिल्मों में ही नहीं देखें, अपने आप भी ये सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप ये सबके लिए संभव है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। आप लोग भी कर सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स। अरे तमाम तरह के हैं। देखिए सब बड़े आराम से सेफली कर रहे हैं। आपको इसको करने में बहुत मजा आएगा। इतना बस थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, आप लोग भी कर सकते हैं। ये सुनामी आइलैंड यही वाला है? नहीं, उठा था। तो ये कौन सा है? मोरेश्वर। ये मोरेश्वर आइलैंड है, गणपति का मंदिर एरिया है। हाँ हाँ हाँ, यही वाले सोने वाले मंदिर है, सोने के गणपति। मालवा सिटी। अच्छा, यहाँ पे लहरें बहुत तेजी से हलचल मचा रही हैं। वो वाटर स्पोर्ट के हिल जाता है। अच्छा, इतना तेज हो जाता है ये पानी, हिल जाता है। अब तुमको भी एक बार करवा ही दें अब हम। तभी समझ में आएगा। टू व्हीलर राइड। हेलो, हाँ हाँ, चलो तो बोले ना, उतर ना, बोले ना। बहुत तेज गिर गया। ये काउंट करोगी? और हर एज के लोग करें, ऐसा नहीं है कि कोई यंग है वही कर सकता है। वापस चल रहे हो? सुनामी आइलैंड नहीं जाऊंगा। सुनामी आइलैंड वही वाला है, पीछे वाला है। ये सब पानी है, ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए है। कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही है। हाँ, ये कौन सी राइड है? ये सेफ राइड। ये फैमिली राइड है, फैमिली राइड।
मैं आपके लिए इतने बेहतरीन प्लेसेस लाता हूँ और आप हमारे इस प्रयास को सराहिए और मेरे चैनल नेक्स्ट जेंस ब्लॉग्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू, बाय बाय। देवबाग बीच, देवबाग बैक वाटर, करनी रिवर है ना, करली बैक वाटर। अब हम जट्टी पॉइंट पे आ गए हैं।